सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करने के बाद आपकी स्क्रीन पर जो घंटी का आइकन आया है उसे भी दबा लें ताकि आप सिलाई की सभी नई वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बेल स्लीव्स बनाना बताएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने ये पौना मीटर कपड़ा लिया है और इसमें से हम आपको इसकी कटिंग और सिलाई करना बताते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा कपड़ा है, इसको हम उल्टा फोल्ड कर लेते हैं, मतलब कि कपड़े का सीधा हिस्सा अंदर रखेंगे और उल्टा हिस्सा बाहर रखेंगे और साइड से किनारा इस प्रकार से मिला देंगे। ऐसे हमने किनारा मिलाया, फोल्ड करके बिछाया। अब हम इसके दूसरे हिस्से को इसके ऊपर ऐसे मोड़ देते हैं इस प्रकार। अब हम इसमें अपनी आस्तीन की मार्किंग शुरू करेंगे। इसमें हम पहला निशान इसके ऊपर लगाएंगे इस प्रकार से यहां पर। अब आपको इसमें निशान लगाना है अपनी आस्तीन की लंबाई का, मतलब की लेंथ का। हमारी आस्तीन की लंबाई जो होगी वो 18 इंच होगी, तो यहाँ पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा 18.5 इंच 18.5 इंच निशान लगा देते हैं इस प्रकार। इसके बाद निशान लगाएंगे ऊपर अपने आर्म होल की लेंथ का। आर्म होल लेंथ हम यहाँ पर रखेंगे 3.25 इंच 3.25 इंच इस प्रकार से। अब हम अपने सभी मार्क को सीधा कर देते हैं। बेल स्लीव्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सिंपल आस्तीन की ड्राफ्टिंग अपने कपड़े पे करनी होगी, ये निशान लगे। अब आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल का निशान लगाना है। हमारा आर्म होल साइज 7 इंच है, 7 इंच है, आपका जो भी हो छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे एक मोहरी का निशान लगाएंगे, एक डेमो के तौर पर। वैसे मोहरी की आप थोड़ी चौड़ी होती है, तो यहाँ पर डेमो तौर पर निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 9 इंच का इस प्रकार। अब हम अपने इस मार्क को ऐसे सीधा कर देंगे, मिला देंगे। ऐसे हमने निशान लगाया। अब हम उसके ऊपर की साइड में यहां पर निशान लगाते हैं आर्म होल की गोलाई का। ये हमारे आर्म होल की गोलाई हुई। इसके बाद एक निशान हमें अपनी आस्तीन के बीच में लगाना है। इसके लिए हम अपना इंच टेप लेंगे और हमारा या तो हम इसको काउंट कर लें कि 18.5 यहाँ पे 9 इंच होगा, या फिर जहां पे आपकी मोहरी आपकी कोहनी आती है, मतलब कोहनी का ये हिस्सा आता है, मोड़ वाला हिस्सा आता है, यहां पर निशान लगा लें। तो हमारा मोड़ वाला हिस्सा आता है यहां पर करीब 10 इंच पे, तो यहां पर हम 10 इंच का ऐसे निशान लगा देते हैं और इसको सीधा कर देंगे। ऐसे इसको हमने सीधा किया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग शुरू करेंगे ऊपर से। बराबर से हम लेंगे यहां पर करीब करीब 1.5 इंच लेंगे और जो हमारी आस्तीन की लेंथ है हम यहां पे कट ना करके इसको यहां पे कट करेंगे। नीचे हमारा फ्रिल बनेगा वो आपको दिखा देंगे। निशान से करीब 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे इस प्रकार से। तो ये हमारी स्लीव्स का ऊपर का हिस्सा कटा। अब हम इसमें यहां पर जो भी हमारी गोलाई शेप आती है वो शेप डाल लेते हैं। ऊपर यहां पर कट लगाते हैं और अपनी आस्तीन को ऐसे खोल के यहां पर फ्रंट की शेप दे देते हैं इस प्रकार। ये हमारी आस्तीन का ऊपर का हिस्सा हुआ। अब जो कपड़ा हमारा नीचे का बचा है उसमें हम आपको इसकी फ्रिल बनाना बताते हैं। अब हम इसका नीचे का घेर वाला हिस्सा कट करते हैं। तो जो कपड़ा हमारा नीचे से बचा है हम इसका यूज करेंगे। इसको ऐसे ही फोल्ड कर देंगे जैसे पहले फोल्ड था इस प्रकार से, और इसको जहां से कोना पकड़ के इसको ऐसे मोड़ देंगे त्रिकोण में। तो त्रिकोण शेप में हमने इसको ऐसे फोल्ड किया। अब हम इसको यहां पर ऐसे बिछा देते हैं इस प्रकार से, तिरछा हम इसको ऐसे बिछाएंगे। ऐसे इसकी शेप ऐसी आनी चाहिए कपड़े की, नीचे वाले की इस प्रकार। और अपने स्लीव्स को इसके ऊपर, मतलब यहां पर रखेंगे जहां से कपड़ा बिल्कुल बराबर आए, कहीं से छोटा, कहीं ऐसा ना हो कि कपड़ा ज्यादा आए या फिर कहीं से कपड़ा ऐसे कम ना आए, बिल्कुल बराबर ऐसे आना चाहिए। इसके बाद
हम यहाँ पे करीब ये निशान है हमारा, यहाँ तक कपड़ा हमारा यहाँ तक है, इससे हम करीब हाफ इंच ऊपर आधा इंच ज्यादा कपड़ा लेकर इसको कट करेंगे, सीधा काट देते हैं। ऐसे अब हम इसमें दोबारा से जो भी हमारी आस्तीन की लंबाई है या फिर जो भी आपको करनी है, आप उसका निशान लगाएं। यहां पर हमारी आस्तीन की लंबाई 18.5 इंच हमने रखी थी, हाफ इंच एक्स्ट्रा, तो यहां पर हम इसमें ऐसे के निशान ऐसे लगा देते हैं और एक गोल शेप हम यहां पर ऐसे लगाएंगे। तो इस प्रकार से एक गोलाई में शेप हम इसमें ऐसे डाल देते हैं, इस प्रकार से ये हमारी शेप हुई कुछ इस प्रकार से। अब इसको हम कट करेंगे, नीचे से करीब हाफ इंच ज्यादा कपड़ा, फिर 1 इंच ज्यादा कपड़ा रखेंगे हम लंबाई में, क्योंकि हमें इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने में अक्सर लंबाई घट जाती है। ऐसे हम इसको गोलाई में कट किया और बराबर से जो कपड़ा बराबर नहीं है यहाँ पर साइड से, इसको कट करके बराबर कर देते हैं। तो दोस्तों ये आपकी बेल स्लीव्स ऐसे कट चुकी है। अब हम आपको इसकी सिलाई करना बताते हैं। इसकी सिलाई करने के लिए हम पहले तो इसको यहाँ पर आपस में अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम अपनी घेरों खोल लेते हैं, कोई भी एक घेर का पीस लेंगे और कोई भी अपने एक स्लीव्स लेंगे इस प्रकार से, और अपने स्लीव्स के ऊपर घेर को ऐसे रख देंगे, मतलब सीधे कपड़े के ऊपर आपको सीधा कपड़ा ऐसे रखना है। और जो आपका ये जॉइंट है, इस जॉइंट को यहाँ पे रखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे एक सिलाई लगाकर इसको आपस में जोड़ देते हैं। यहां से थोड़ा सा इसमें एक शेप यहाँ पे ऐसे आ रही है, तो इसको भी आपको शेप के हिसाब से लगानी है। यहाँ पे लाकर रोका और फिर शेप को उठा के ऐसे मोड़ देंगे अपनी आस्तीन के हिसाब से। ये हमारी आस्तीन यहाँ पे जुड़ी। अब हम इसका जो जॉइंट है, जॉइंट को ऊपर रखेंगे और यहाँ पे किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं ताकि जॉइंट हमारा खुले नहीं। ये सिलाई के बाद अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। नीचे का घेर जो है, पहले इसको हम यहाँ पर ऐसे सिंगल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे। ये सिंगल फोल्ड के बाद अब इसको हम यहाँ पर ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी इसके किनारे पर पूरे इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने अपने स्लीव्स का घेर नीचे से इसे फोल्ड कर दिया है। वैसे तो हमारी स्लीव्स बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन आप इसमें आपको एक छोटा सा डिजाइन भी बनाना बता देते हैं। ये डिजाइन हम इसमें एक पट्टी और डोरी यूज करेंगे और इससे आप अपने स्लीव्स को कोने से लूज और टाइट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर दो डोरी बनाकर ऐसे रख ली है, नीचे फुंदे बना दिए हैं डोरी में, और सिंपली सीधी दो पट्टियां ली है हमने। ये दोनों पट्टियां हम यूज करने वाले हैं। इसकी चौड़ाई करीब 1.5 इंच है, 1.5 इंच। तो इसको लगाने के लिए पहले तो हम यहाँ पर अपने स्लीव्स का जो जॉइंट वाला हिस्सा है यहाँ पर एक सेंटर निकालेंगे। इसकी चौड़ाई करीब 15 इंच है, 15 इंच है, 15 का हाफ होगा 7.5 इंच, 7.5 इंच। ऐसे ये इसका सेंटर हुआ। अब हम अपनी पट्टी लेंगे और अपनी इस पट्टी को एक साइड से ऐसे सिंगल और फिर ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। ये पट्टी को यहां से फोल्ड करने के बाद इसको हम यहाँ पर यूज करते हैं इस प्रकार से। एक साइड से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे अपने कपड़े को और जहां पर ये हमारा सेंटर बना हुआ है यहां से इसको ऐसे रखेंगे इस प्रकार से, और इसके एक साइड में कपड़ा फोल्ड करके यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देते हैं। सिंपली सीधी सिलाई रखनी है आपको।
एक साइड बंद करने के बाद अब हम इसको दूसरी साइड से भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे और इसको भी आपस में ऐसे सह लगा देते हैं। तो ये पट्टी हमने यहां पर ऐसे इसमें अटैच कर दिए दोनों तरफ सह लगाकर। अब इसी तरह की पट्टी हम इसके दूसरे साइड यहां पर भी लगा देते हैं। और ये दोनों स्टेप लगाने के बाद हमने इसके अंदर ये डोरी लगा दी है। इस प्रकार से ये डोरी पार की हमने इसके ऊपर आर पार की है। इसको खींच देंगे यहां से और खींचने के बाद यहाँ पे जो ये ओपन हिस्सा है इसको सह लगाकर बंद कर देंगे यहां से भी और यहां से भी। इसके बाद ये आपकी डोरी है, यहाँ पर आप इसमें नोट्स जो भी आप लगाना चाहें इस प्रकार से नोट्स में लगा सकते हैं, जिस भी आपको बेहतर लगे। तो यहां पर आकर हमारी आस्तीन जब तैयार हो चुकी है, इसके बाद इसका अगला काम है कि आपको अपने स्लीव्स को इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करके यहाँ पे इसमें हमसे सह लगानी है, वो भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर ये हम अपनी ऐसे साइड वाली सह लगा रहे हैं और एक ही सिलाई में हमारे यहाँ पर डोरी भी बंद हो जाएंगी और हमारा ये हिस्सा भी बंद हो जाएगा। और ये हमने अपनी साइड की सिलाई भी लगा दी है। अब हमारी आस्तीन बनकर तैयार हो चुकी है और जो हमारा डोरी वाला डिजाइन है ये कुछ इस प्रकार होगा। आप इसको यहाँ से इसको टाइट करके इसको ऐसे यहाँ से रिंकल्स बन जाएंगे इसमें और आपकी आस्तीन यहाँ पर लूज या टाइट भी ऐसे हो सकती है। बहुत अच्छा और बहुत यूनिक ये डिजाइन है। और इसके बाद भी अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर आपके लिए कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप हमारे सभी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे।